हेलो एवरीवन वेलकम टू द एवरीज आज हम लोग स्टडी करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन के बारे में बेंजीन के डिटेल स्टडी करेंगे हम जिसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज बेंजीन की और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बेंजीन से रिलेटेड है किस टाइप की रिएक्शंस बन सकती हैं वो सब डिस्कस करेंगे ओके okay? तो हम स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन इसमें हम बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फर्स्ट मेथड जो है बेंजीन की प्रिपरेशन का वो है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन इस रिएक्शन के बारे में हम लोग पहले भी बता चुके हैं आपको एल्काइन में तो आपने पहले भी ये रिएक्शन पढ़ी है तो यहाँ पर क्या करना है इथाइन है ये इसके थ्री मोल आप लेंगे और यहाँ पर रेड हॉट ट्यूब में आप पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन होगा आप याद कैसे रखेंगे इस रिएक्शन को ये आपका इथाइन है ट्रिपल बॉन्ड सी एच तो यहाँ पर तीन बॉन्ड में से एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया आप ओके इसी तरह दूसरा मोल लेंगे आप इथाइन का और यहाँ पर बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव और ये पॉजिटिव और थर्ड मोल भी इसी तरह करेंगे तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर देखिए सी एच डबल बॉन्ड सी एच तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर देखिए सी एच इस तरह लिखेंगे हम सी एच डबल बॉन्ड सी एच ये आपने पॉजिटिव लिया है ये वाला तो यहाँ पर ये यह नेगेटिव लेंगे पॉजिटिव को नेगेटिव से नेगेटिव को पॉजिटिव से ऐड करते जाना और कुछ नहीं करना आपको सी एच डबल बॉन्ड सी एच यहाँ पर ये यह नेगेटिव है ये वाला तो ये वाला पॉजिटिव लेंगे और ये वाला नेगेटिव और यहाँ पर ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव अब आपको क्या करना है बॉन्ड को फॉर्मेशन करना है पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दीजिए और नेगेटिव को पॉजिटिव से ये बॉन्ड आपने एक यहाँ बना दिया एक यहाँ बना दिया और एक यहाँ बना दिया तो बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन हो गया क्या बन गया आपकी बेंजीन रिंग बन गई

और यहाँ पर इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए तो यहाँ पर बेंजीन का फॉर्मेशन होगा बेसिकली जो टी कार्बोक्सीन रिएक्शन होती है उसमें होता है क्या है कार्बन एनाइन का फॉर्मेशन होता है आर नेगेटिव का फॉर्मेशन होगा और ये डिसाइड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन स्टेबिलिटी के ऊपर जो कार्बन एनाइन की स्टेबिलिटी है वो डिसाइड करती है रेट ऑफ रिएक्शन एल्केन में हमने इसके बारे में भी डिटेल स्टडी करी है अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वो आप लेक्चर देख लीजिएगा एल्केन प्लेलिस्ट लिस्ट में ही है तो यहाँ पर ये कार्बन आयन जो होगा वो इंटरमीडिएट होगा इसकी स्टेबिलिटी डिसाइड करेगी रेट ऑफ रिएक्शन वन डिग्री का जो कार्बन आयन होता है वो मोर स्टेबल होता है फिर टू डिग्री होता है फिर थ्री डिग्री स्टेबल होता है और जो रेजोनेंस वगैरह जो स्टेबिलिटी है वो भी देखते हैं इसमें तो यहाँ पर ये बेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा है उसके साथ एन निकल रहा है यहाँ से एन ए ले लीजिए और यहाँ से सी डबल बॉन्ड हो एन ले लीजिए अच्छा डिकार्बोशन रिएक्शन में रिएजेंट क्या होता है सोडा लाइम सोडा लाइम किसे कहेंगे आप एनए प्लस सी ए ओ ये ये जो है रिएजेंट ये क्या है सोडा लाइम सोडा लाइम तो सिंपली आपको करना क्या है इस रिएक्शन में ये जो ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ एन ए ये ग्रुप आप हटा दीजिए और आप एच को जोड़ दीजिए इस वाले कार्बन से तो आपकी बेंजीन मिल जाएगा आपको बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा इस ये रिएक्शन आपके समझ में आ गई डिकार्बो रिएक्शन हमने एक्सप्लेन भी कर दी ओके तो थर्ड देखिए रिडक्शन ऑफ फिनॉल फिनॉल के रिडक्शन में क्या मिलेगा ये फिनॉल्स वेपर पर है यहाँ पर ये जिंक है जिंक क्या करेगा ऑक्सीजन ले जाएगा फिनॉल का ऑक्सीजन ले जाएगा जिंक तो यहाँ पर हाइड्रोजन बचेगा तो ये बेंजीन का फॉर्मेशन होगा बेंजीन रिंग बन गई और क्या मिला आपको जेड एनो जिंक ऑक्साइड ओके देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपकी हो गई यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन पढ़ेंगे तो यहां पर देखिए जो प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन है उसमें क्या कौन कौन सी रिएक्शन देती है बेंजीन यहां पर ई एस आर है इलेक्ट्रोफ्लिक्सिट्यूशन रिएक्शन

ई एस भी कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन ई ए एस ए आर एस सी भी दिख सकते हैं और ए सी ए आर वी इस तरह भी लिख सकते हैं तो यहाँ पर देखिए यह इस रिएक्शन में होता क्या है ये बेंजीन है बेंजीन में ये हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच्ड है इलेक्ट्रोफाइल आया यहाँ पर ये यह हाइड्रोजन निकल गया और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर ऐड हो गया तो आपको बेसिकली करना क्या है हाइड्रोजन की जगह इलेक्ट्रोफाइल को लगा देना है और आपको एच प्लस मिल जाएगा हाइड्रोजन हट गया ई लग गया इलेक्ट्रोफाइल आकर गया यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ ई एस आर ई एस आर के टाइप क्या है फर्स्ट है नाइट्रेशन नाइट्रेशन में आप क्या क्या करेंगे यहाँ पर देखिए नाइट्रेशन में रिएजेंट कौन कौन से होंगे कंसनट्रेटेड एच एन ओ थ्री या कंसनट्रेटेड एच टू एस ओ फोर मिलेगा आपको डायलूट एच एन ओ थ्री मिलेगा ये हो सकता है या फिर ये नहीं होगा तो ये होगा डायल्यूट एच एन ओ थ्री या फिर आपको ये मिल जाएगा एन ओ टू बी एफ फोर बी एफ फोर या फिर एन टू सी एल ओ फोर यहाँ पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और यहाँ पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव फोर्थ में एन टू ओ फाइव यहाँ पर ये क्या है एन टू पॉजिटिव एन थ्री नेगेटिव ओके तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर आप इन सारे रिएजेंट से अगर इनमें से कोई भी एक रिएजेंट ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा एन टू पॉजिटिव ये मिलेगा अब जब ये मिलेगा ये क्या है नाइट्रोनियम आयन तो इससे आप नाइट्रेशन करा देंगे तो रिएजेंट ये सब इनमें से आपको अगर कोई भी मिल गया तो आप नाइट्रेशन कराएंगे आपको क्या मिल गया एनो टू पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन हटाया उसकी जगह एनओ टू लगा दिया आपने एनओ टू पॉजिटिव की प्रेजेंस में सेकंड देखिए सेकंड टाइप क्या है इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिल्सटीट्यूशन रिएक्शन में ही हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जो सेकेंड है, है हेलोजिनेशन हेलोजिनेशन में क्या होता है एक्स टू एक्स टू क्या है हेलोजन है ये एनहाइड्रस एल सी एल थ्री ले सकते हैं आप या फिर एक्स टू के साथ एनहाइड्रस एफ ई सी एल थ्री ले सकते हैं या फिर एक्स टू के साथ आप क्या ले सकते हैं एनहाइड्रस एफ ई बी आर थ्री ले सकते हैं इन तीनों में से कोई भी ले सकते हैं तो यहाँ पर क्या होगा बेंजीन में वही हाइड्रोजन हटेगा एक्स आ जाएगा एक्स प्लस इससे आपको क्या मिल रहा है जो ये सब है ये क्या दे रहे हैं आपको ये आपको दे रहे हैं x प्लस ये दे रहे हैं आपको तो यहां पर क्या हुआ जो x प्लस है उसने क्या किया हाइड्रोजन को हटा दिया और खुद हाइड्रोजन की जगह आ गया ये x प्लस है यहां पर थर्ड देखिए थर्ड टाइप क्या है सल्फोनेशन सल्फोनेशन में क्या होता है फ्यूमिंग एच टू एस फोर मिल जाएगा आपको ये नहीं मिलेगा तो आपको ओलियम मिल जाएगा एच टू एस टू ओ सेवन अगर ये नहीं होगा तो आपको क्या मिलेगा एसओ थ्री एस टू एसओ फोर तो ये सब ये तीनों आपको क्या देंगे एस थ्री देंगे एसो थ्री देंगे आपको ये इलेक्ट्रोफाइल है जितने भी हम आपको बता रहे हैं एक्स पॉजिटिव एसओ थ्री या एनओ टू पॉजिटिव ये सब क्या है इलेक्ट्रोफाइल तो ये क्या है बेंजीन बेंजीन की जब आप एसओ थ्री के साथ रिएक्शन करवाएंगे ये इलेक्ट्रोफाइल है तो यहाँ से ये क्या बनाएगा एसओ थ्री एच एसओ थ्री आएगा और जुड़ेगा क्या एच एसो थ्री यहाँ पर क्या बन रहा है बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन रहा है, ओके okay? तो आप याद इलेक्ट्रोफाइल होगा तो क्या बनेगा क्या जुड़ेगा एच एसो थ्री एसो थ्री एच कह सकते हैं आप और देखिए फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है आपको रिएजेंट ये मिल सकता है आर एक्स सकता है उसके साथ सेकेंड हाफ को अल्कोहल मिल सकता है ROH उसके साथ H+ मिल सकता है एसिड मिल सकता है थर्ड देखिए एसिड क्या करता है H+ देता है तो आप एसिड ले सकते हैं थर्ड तो देखिए यहाँ पर एल्कीन एल्कीन के साथ आपको एसिड ले लीजिए H+ लेना है आपको तो ये सब क्या दे रहे हैं आपको कार्बो कैटायन दे रहे हैं अगर कार्बो कैटायन बन रहा है आपका तो आप क्या देखेंगे उसमें रिअरेंजमेंट अगर पॉसिबल होगा तो आप रीअरेंजमेंट करवाएंगे कार्बो कैटाइन का कर कार्बो कैटाइन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप सोच लेंगे अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है उसके साथ स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो आप रीअरेंजमेंट करा दीजिएगा ओके तो अगर पॉसिबल है तो कराएंगे रीअरेंजमेंट तो यहाँ पर अगर ये पॉसिबल है तो हो रहा है तो यहाँ पर ये यह, तीनों में से कोई भी रि होगा आपको कार्बो कैटाइन मिल जाएगा हम लोग एल्किन में पढ़ के आए हैं एल्कीन में पढ़ के आए हैं कार्बो कैटाइन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा था तो उसी टाइप के रिएजेंट आरएक्स आर ओ एच और एल्कि तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये यह कार्बोकेटाइन है ये बेंजीन रिंग है ये बेंजीन रिंग है और ये क्या है कार्बोकेटाइन तो कार्बोकेटाइन आया और अटैक कर लिया इसने यार बन गया सब रिएक्शन है ओके तो हाइड्रोजन निकल रहा है तो यहाँ पर देखिए बेंजीन है ये ये सी एच थ्री सी एल है ये क्या एल्किल एल्लाइड एनड्रीएल थ्री के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पर क्या होगा सी एच थ्री सी एल यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा सी एच थ्री पॉजिटिव का और सी एल निगेटिव निकल जाएगा तो ये जो है ये जो कार्बोकेटाइन है अब इस बेंजीन रिंग पे अटैक कर देगा और ऐड हो जाएगा तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है टॉलोविन का फॉर्मेशन हो रहा है इस तरह ओके ये अटैक कर देगा और बेंजीन की जो पोजीशन है और तो मेटा पैरा इसमें आप कन्फ्यूज मत होइएगा क्योंकि जब ग्रुप लगता है तब ये डिसाइड होती है और तो मेटा पैरा तो यहाँ पर बेंजीन की सारी पोजीशन सेम है तो कहीं पर भी आप मिथाइल ऐड कर सकते हैं लगा सकते हैं ओके और यहाँ पर एच सी एल आपको मिल जाएगा अब देखिए ये जो बेंजीन है यहाँ पर ये यह क्या है हैलाइड यहाँ पर ये यह जो सी एल है निकल जाएगा यहाँ पर ये यह पॉजिटिव कारूकैटैन का फॉर्मेशन हो जाएगा अब आपको यहाँ ये देखना है ये कार्बोकेटाइन बन गया ये कैसा है ये कार्बोकेटाइन देखिए यहाँ लिख देते हैं ये इस तरह कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया तो ये जो कार्बोकेटाइन है ये क्या है वन डिग्री क्योंकि ये वाला जो कार्बन है इससे एक ही कार्बन से अटैच्ड है कार्बोकेटाइन तो वो क्या है वन डिग्री अगर टू से होता तो टू डिग्री अगर थ्री कार्बन से अटैच्ड होता तो थ्री डिग्री होता अब आप देखिए यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो सकता है पॉसिबल है है क्योंकि अगर इस कार्बन पर कार्बोकेटाइन बना देंगे इस वाले कार्बन पर तो क्या होगा टू डिग्री बन जाएगा तो स्टेबल होगा तो हम रीअरेंजमेंट करा देंगे तो ये क्या होगा यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट होगा है तो यहाँ पर ये क्या है हाइड्रोजन तो इसका शिफ्ट कर दीजिए हाइड्राइड शिफ्ट तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरह यहाँ पर अब ये कार्बोकेटाइन बन गया यहाँ पर क्या था कितने अल्फा हाइड्रोजन थे यहाँ पर बताइए हाइपर कॉन्जुगेशन से देखिए यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन जो थे एक ये और एक ये तो यहाँ पर कितने थे टू अल्फा हाइड्रोजन थे अब कितने हो गए तीन इधर है और तीन इधर हो गए तो कितने हो गए टोटल सिक्स सिक्स अल्फा हाइड्रोजन हो गए तो जितने अल्फा हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है हाइपर कॉन्जुकेशन इफेक्ट से तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो रीअरेंजमेंट होगा कार्बोगाट्राइड का यहाँ पर ये टू डिग्री है ओके okay, वैसे ऐसे भी देख सकते हैं थ्री डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है फिर टू डिग्री का कार्बोकेटाइन फिर वन डिग्री का कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है तो टू डिग्री से ही हमें आइडिया लग रहा है लेकिन फिर भी चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिए हाइपर कॉन्जुकेशन से स्टेबिलिटी देख लीजिए जितने नंबर ऑफ एल्फाइ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी ही ज्यादा कार्बोकैटाइन स्टेबल होगा तो यहाँ पर ये क्या होगा कैसे फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पर ये पॉजिटिव जो है ये ऐसे ऐड हो जाएगा ओके इसका फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पर देखिए फिफ्थ है फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन हमने जो फोर्थ पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन ये क्या है एसाइलेशन तो यहाँ पर एसाइलेशन में क्या होगा ये एसाइल क्लोराइड है फर्स्ट वाला r R-C डबल बॉन्ड ओ सी ये क्या है एसाइल क्लोराइड है ये ओके और यहाँ पर किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं प्लस एनहाइड्रस एल सी एल थ्री ले रहे हैं सेकेंड है अगर ये नहीं है फर्स्ट ले लेंगे तो भी एसआईलेन होगा सेकेंड लेंगे तो भी एसाइलेशन होगा अगर ये नहीं है तो ये ले लीजिएगा ओके तो ये क्या है एनहाइड्राइड है एसिडिक एनहाइड्राइड इस टाइप से आर जो है वो एल्काइल ग्रुप है एनहाइड्राइड प्लस एनहाइड्रस एल सी एल थ्री ओके एनहाइड्रस मतलब जिसमें वाटर नहीं है एनहाइड्रो सी एल सी एल थ्री है यहाँ पर तो यह वो क्या करेंगे एसाइलेशन रिएक्शन शो करेंगे यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है वो ये है इसका आपको कोई रीअरेंजमेंट नहीं कराना नो रीअरेंजमेंट अच्छा रीअरेंजमेंट क्यों नहीं कराना हमने जब रिएक्शन करवाई थी तो उसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा था यहाँ पर भी तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पर लिखा है नो रीअरेंजमेंट यहाँ पर कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन हो रहा था तो हमें डायरेक्ट रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना था यहाँ क्यों नहीं करा रहे यहाँ पर भी तो कार्बो कैट का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि पर ये 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 जो जो ऑक्सीजन है 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 इसके पेर, जो है, वाला इसके पेयर कार्बन कार्बन वाला पास वैकेंट उसके साथ बैक बॉन्डिंग में है तो बैक बॉन्डिंग की जो स्टेबिलिटी है वो मोर है ओके तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी है तो इसलिए आपको रिअरेंजमेंट के बारे में नहीं सोचने डायरेक्ट आपको इलेक्ट्रोफाइल बनाना है ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा एसाइलेशन में और डायरेक्ट अटैच करा देना है बेंजीन रिंग से यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है और ये क्या है इलेक्ट्रोफाइल है तो यहाँ पर ये डायरेक्ट अटैच करवा दिया ओके तो यहाँ देखिए बेंजीन है सी एच थ्री सी ओ सी एल है एन हाइड्रो सी एल सी एल थ्री है हीट किया आपने तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर ये जो है ये इसको ऐड करा दिया आपने तो यहाँ पर आपको मिल रहा है सी डबल बॉन्ड और सी एच थ्री ये क्या है एसिडोफिन आपको ये कंपाउंड मिल रहा है अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन तो मैकेनिज्म क्या है इसकी ई एस आर की इसकी जो प्रोसेस है वो क्या है देखिए ई एस आर प्रोसीड वायर फॉलोइंग थ्री स्टेप कौन कौन से थ्री स्टेप हैं फर्स्ट स्टेप है इसका रिएक्शन का जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा फिर सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन जो कि इंटरमीडिएट है इंटरमीडिएट क्या है कार्बोकेटाइन थर्ड देखिए रिमूवल ऑफ प्रोटोन एच प्लस निकलेगा रिएक्शन में लास्ट स्टेप में जो थर्ड स्टेप है फ्रॉम द कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट तो यहाँ पर देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है यहाँ पर ये यह बेंजीन रिंग है बेंजीन रिंग के पास तीन बॉन्ड है पाई बॉन्ड है जिसके पास सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये को पाई दे इसके पास क्या है पाई, है? पाई, पाई बॉन्ड्स हैं तो किसी एक बॉन्ड ने इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन दे दिए इलेक्ट्रोफाइल क्या है इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है क्योंकि ये गरीब होता है ये इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं तो ये ढूंढता हुआ आता है किसी के पास अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो देते हैं तो यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन है बेंजीन रिंग के पास यहाँ पर दो कितने हैं तीन है और हर एक में दो इलेक्ट्रॉन है हर एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है तो कोई एक बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफाइल को दे देगा तो इसने दे दी तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ इसको एरिनियम आयन भी कहेंगे यहाँ पर तो देखिए कैसे देंगे ये जो बॉन्ड है ये 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 वाला वाला है ये ब्रेक पर नेगेटिव बना पर पॉजिटिव बना बना दीजिए दीजिए और तो पर नेगेटिव पर ज्यादा वहाँ पर ज़्यादा होंगे होता है तो इलेक्ट्रोफाइल इस पोजिशन पे अटैच हो जाएगा यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल आगे इस पोजिशन पे ओके समझ गए अब आप तो यहाँ पर क्या होगा जब बॉन्ड ब्रेक हुआ जो ये वाला बॉन्ड था ये ब्रेक हो गया नेगेटिव पॉजिटिव में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया अब ये जो कार्बन है इसके पास तो बॉन्ड नहीं है तो यहाँ पर एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो यहाँ पर देखिए बेंजीन रिंग एरोमेटिक थी एरोमेटिक थी ये एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं अब यहाँ पर एरोमेटिक सिटी तो चली गई क्योंकि ये जो कार्बन है वो एस पी थ्री हो गया एरोमेटिकली जरूर जरूरी होता है प्लेनर होना चाहिए प्लेनर के लिए एस पी टू हाइब्रेडाइजेशन होना चाहिए तो यहाँ पर जो एस पी टू हाइब्रेडाइजेशन है वो तो चला गया क्योंकि जो पाई बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया तो यहाँ पर एस पी थ्री हाइब्रेडाइजेशन हो गया तो इससे शो हो रहा है ये प्लेनर नहीं रहा तो एरोमेटिक नहीं है ये नॉन एरोमेटिक हो गया ये क्या है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड ओके okay, अब यहाँ पर क्या होगा माइनस एच प्लस निकल जाएगा ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा प्रोटोनेशन होगा रिमूवल ऑफ प्रोटोन लास्ट स्टेप होगा और यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा इस कंपाउंड का इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैच हो जाएगा और एच प्लस निकल गया तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया अब ये इस, इस कॉम्प्लेक्स के बारे में बात आती है जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है एरिनियम आयन उसके बारे में देखिए इसमें रेजोनेंस के जरिए स्टेबिलिटी है यहाँ पर ये यह पॉजिटिव है ये और ये सिंगल है ये डबल है ये सिंगल है ये डबल है तो यहाँ पर रेजोनेंस है यहाँ पर रेजोनेंस है देखिए रेजोनेंस कैसे ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो यहां पर ये यह तो यह पॉजिटिव चार्ज आ गया, गया। ओके ये वाला स्ट्रक्चर बन गया अब ये जो पाई बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो गया तो यहाँ पर ये इस पोजिशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो यहाँ पर देखिए इस पोजिशन पे पॉजिटिव चार्ज आ गई यहाँ पर ये ओके तो यहाँ पर ये क्या है स्ट्रक्चर है जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है इन तीनों को मिलाकर इन तीनों स्ट्रक्चर को मिलाकर सिग्मा कॉम्प्लेक्स में ये रेजोनेंस हाइब्रिड बन रहा है ये क्या है रेजोनेंस हाइब्रिड ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये वाला इसको वील इंटरमीडिएट भी कहेंगे या सिंग कॉम्प्लेक्स भी कहेंगे या फिर ये क्या है रेजोनेंस हाइब्रिड है तो यहां पर देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये वाला ये यहाँ तक पहुंच गया यहाँ तक पहुंच गया तो यहां पर इस पोजीशन से लेके देखिए ये ये वाली पोजीशन है और ये वाली पोजीशन है यहाँ पर इस पोजीशन से लेके ये यहाँ से रेजोनेंस शो किया गया है यहाँ तक यहाँ तक यहाँ से लेके ओके और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बना दिया तो ये क्या रेजोनेंस हाइब्रिड और यहाँ पर क्या है एच थ्री हाइब्रिडाइजेशन है तो यहाँ पर तो शो हो ही नहीं रेजोनेंस यहाँ पर ब्लॉक हो गया क्यों ब्लॉक हो गया यहाँ पर ये यह पॉजिटिव था ये सिंगल था और फिर इसके बाद ये भी सिंगल है ये वाला तो पॉजिटिव सिंगल डबल होना चाहिए पॉजिटिव सिंगल डबल ये डबल सिंगल डबल इस तरह होता है तो यहाँ पर पॉजिटिव सिंगल डबल होना चाहिए फिर ये वाला जो है वो सिंगल है तो यहाँ पर रेजोनेंस हो ही नहीं पा रहा तो यही तक कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे ये तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और ये क्या रेजोनेंस हाइब्रिड इसी को क्या कहेंगे आप वील इंटरमीडिएट कहेंगे तो यहाँ पर ये आप समझ गए रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा हाइब्रिड है सिग्मा कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पर ये यह एरोमेटिक था ये नॉन एरोमेटिक और क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाएगा कॉम्प्लेक्स बना है हमने आपको बनाकर भी दिखा दिया साइड आया फिर इस साइड आया, आया, आया इन तीनों स्ट्रक्चर से जो स्ट्रक्चर निकल के आया वो रेजोनेंस हाइब्रिड है जिसको वीरेंट इंटरमीडिएट भी कहेंगे आप तो उसमें ये वाला स्ट्रक्चर है सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं ओके okay? तो आपके समझ में आ गई मैकेनिज्म कैसी है तीन स्टेप हैं इलेक्ट्रोफाइल बनाना है कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा उसके बाद प्रोटोन का रिमूवल हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप अब जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो बेंजीन रिंग में क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन देते हैं ये इलेक्ट्रॉन की कमी करते हैं इलेक्ट्रॉन रिच बनाते हैं बेंजीन रिंग को या फिर इलेक्ट्रॉन की कमी कर देते हैं बेंजीन रिंग से तो किस तरह करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रोफाइल आएगा और अटैच होगा तो किस तरह करते हैं वो देखिए ग्रुप कौन कौन सी है तो फंक्शनल ग्रुप ये कोई ग्रुप लगा हुआ है तो ये जो ग्रुप है जो बेंजीन रिंग से लगा हुआ है वो कैसा होता है प्लस एम इफेक्ट या फिर माइनस एम इफेक्ट शो करता है दो इफेक्ट शो कर सकता है ओके okay, तो यहाँ और देखिए प्लस एम इफेक्ट के ग्रुप कैसे पहचानेंगे आप आप आईडिया कैसे लगाएंगे कि भाई ये बेंजीन रिंग पर ग्रुप अटैच अटैच है ये प्लस एम है या माइनस एम है आप उसे कैसे पहचानेंगे ये देखिए ये प्लस एम ग्रुप के बारे में अगर बेंजीन रिंग से ग्रुप लगा हुआ है प्लस एम तो यहाँ पर जो फर्स्ट एटम है उसके पास पेयर होंगे यहाँ पर जो फर्स्ट एटम है जैसे ये बेंजीन रिंग है यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ है जैसे ये सी एच ओ तो ये फर्स्ट एटम है ये वाला उसके पास क्या होंगे लॉन्पियर होना चाहिए ओके ये तो अलग है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ प्लस एम की पहचान फर्स्ट एटम पर पेयर लगे होने चाहिए जैसे इसके अलावा और क्या हो सकता है सी एच थ्री एल्काइल ग्रुप लगे होने चाहिए सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री इस टाइप से एलकाइल ग्रुप लगे होना चाहिए एल्काइल ग्रुप के बारे में आप जानते हैं अब देखिए यहाँ पर माइनस एम ग्रुप की यह पहचान अगर बेंजीन रिंग से कोई ग्रुप अटैच्ड है वो माइनस एम है उसका फर्स्ट एटम के पास पाई बॉन्ड होना चाहिए या पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या फिर वो एन पॉजिटिव एच थ्री ये होगा या फिर सी एक्स थ्री ये होगा इसको आप याद कर लीजिए आपको पता चल जाएगा कि भाई प्लस एम क्या है और माइनस एम क्या है अब देखिए पहचान प्लस एम ग्रुप है तो यहाँ पर ये यह ओ एच है है यहाँ पर तो यहाँ पर पेयर प्रेजेंट होता है ये जो बॉन्ड बना हुआ है ये वाला बॉन्ड ये ये शो कर रहा है ये बेंजीन रिंग से है ओके तो यहाँ पर पेयर है अगर पेयर प्रेजेंट है तो वो क्या है प्लस एम एम इफेक्ट शो कर रहा है प्लस एम ग्रुप है अब यहाँ पर भी पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास ये भी कैसा ग्रुप है प्लस एम वाला ओ सी एच ये वाला जो है सी एच टू सी एच थ्री ये क्या है एलकाइल ग्रुप है तो ये प्लस एम है यहाँ देखिए एन एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री यहाँ पर ये पेयर है इसके पास नाइट्रोजन के पास तो ये भी कैसा ग्रुप है प्लस एम यहाँ देखिए ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री यहाँ पर ऑक्सीजन के पास जो कि फर्स्ट आइटम है जो कि बेंजीन रिंग से अटैच है उसके पास क्या है पेयर लॉनपियर पेयर है उसके पास ये भी क्या है प्लस एम ग्रुप है प्लस एम ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दृश्य बनाता है जबकि जो माइनस एम ग्रुप होता है वो क्या करता है बेंजीन बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचता है, है। है, है, ओके? और बेंजीन को को गरीब बना देता है। तो यहाँ पर माइनस एम ग्रुप इस तरह लिखेंगे, आप नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक है, यहाँ पर ये charge, है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज इस तरह भी लिख सकते हैं आप तो यहाँ पर जो फर्स्ट आइटम बेंजीन रिंग से अटैच है वो कैसा है डबल बॉन्ड है उसके पास पाई बॉन्ड प्रेजेंट है डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है एक सिग्मा बॉन्ड होता है ओके okay, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड है पाई इलेक्ट्रॉन्स उसके पास प्रेजेंट है तो कैसे इफेक्ट्री शो करेगा माइनस एम ग्रुप का इफेक्ट्री शो करेगा यहाँ देखिए ये जो कार्बन है इसके पास डबल बॉन्ड है तो ये कैसा है पाई बॉन्ड है तो ये माइनस एम ग्रुप शो करेगा यहाँ देखिए ये जो कार्बन है इसके पास भी पाई बॉन्ड है वो भी शो करेगा माइनस एम ग्रुप अब ये जो कार्बन है इसके पास भी सी डबल बॉन्ड हो ओ सी एच थ्री यहाँ पर ये एसिड है ये सी डबल बॉन्ड हो एन एच टू एम आइड है ये सी डबल बॉन्ड हो सी एच थ्री है ना ये सब आप पता आपको आइडिया लग गया कि जिसके पास भाई पेयर है वो प्लस एम है या फिर एल्काइल ग्रुप होना चाहिए तो प्लस एम है माइनस एम है फर्स्ट एटम के पास पाई बॉन्ड होना चाहिए डबल बॉन्ड होना चाहिए या फिर एन एच थ्री पॉजिटिव या सी एक्स सी एक्स थ्री एक्स यहाँ पर ये हेलोजन है एक्स क्या है हैलोजन है तो ये सब क्या है माइनस एम ग्रुप तो आप पहचानना सीख गए अब आप क्या करेंगे ये वाला मत ले लीजिएगा ये ऑक्सीजन है सपोज ये ये जो कार्बन है इसको मत समझ लीजिएगा फर्स्ट एटम इसके पास भाई बाई बॉन्ड है तो ये माइनस एम इफेक्ट करेगा ऐसा नहीं फर्स्ट एटम के बारे में ही सोचना है ऑक्सीजन है यहाँ पर ऑक्सीजन के बारे में सोचेंगे नोट सम ग्रुप शो बोथ प्लस एम एम एंड माइनस इफेक्ट शो करते हैं जब जैसी जरूरत होती है वैसा इफेक्ट शो कर देते हैं इन पे, इन पे पे क्या होता है देखिए ये क्या है बेंजीन यहाँ पर पाई बॉन्ड भी होते हैं तो ये क्या करते हैं प्लस एम इफेक्ट भी शो करेगा और माइनस एम भी ऐसे ही यहाँ पर एल्किन ये भी यही करते हैं प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं जरूरत होती है तो ले लेते हैं और जब देने की जरूरत होती है तो दे देती तो है तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन पे पर पेयर भी है और डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है इस नाइट्रोजन पे तो ये भी दोनों इफेक्ट शो करेगा और यहाँ पर ये यह पेयर है और ये डबल बॉन्ड है सल्फर पर ही एक ही आइटम पर पेयर भी है और डबल बॉन्ड भी है तो ये दोनों इफेक्ट शो करेंगे प्लस एम और माइनस एम जब जैसी जरूरत होगी वैसे इफेक्ट शो कर देंगे यहाँ देखिए प्लस एम प्लस एम जो ग्रुप होते, है, होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मतलब ऑर्थो और पैरा पोजिशन को इलेक्ट्रॉन ब्रिज बनाते हैं प्लस एम ग्रुप इलेक्ट्रॉन देते हैं बेंजीन रिंग को बेंजीन रिंग को कहाँ देंगे ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन देंगे और बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन ब्रिज बनाएंगे कौन सी पोजिशन एंड पैरा पोजिशन तो यहाँ देखिए ये ओ एच है यह यहाँ पर ये यह लॉन्ग पेयर है तो इस जाहिर सी बात है ये प्लस एम है अब आप पहचानना सीख गए ये कैसा है प्लस एम ग्रुप है तो यहाँ देखिए किस तरह और तो पैरा डायरेक्टिंग है ये ये लॉन्पर है ये इधर आया इधर शिफ्ट हुआ तो ये जो बॉन्ड है ये वाला ये ऐसे हो गया यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बन रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं ये देखिए ओ एच यहाँ पर ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर ये यहाँ पर ये इधर ये नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और ये ऑक्सीजन क्योंकि ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है ना यहाँ पर इत, कितने तीन बॉन्ड तो ये पॉजिटिव ओके तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहां पर ये नेगेटिव चार्ज आ गया और दोनों बॉन्ड सेम बना दिए अब यहाँ देखिए अब ये जो नेगेटिव है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये जो बॉन्ड है वो यहाँ आ जाएगा इधर नेगेटिव आ जाएगा तो निगेटिव चार्ज क्या करेंगे आप एक हर एक कार्बन को छोड़कर एक कार्बन के बाद एक पर निगेटिव चार्ज आएगा अल्टरनेट पोजीशन पर आप नेगेटिव चार्ज लगाएंगे पर पॉजिटिव बॉन्ड यहाँ पर ये यह यह नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ये यह बॉन्ड इस तरह बन रहा है अब देखिए यहाँ पर अब ये जो है ये यह यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा इस पोजीशन पे दबल यहां आ गया ये नेगेटिव और ये बॉन्ड ऐसे ही रहा वो पॉजिटिव एच अब यहां देखिए ये यह। अब ये यह यहां आएगा और ये वापस ऐसे चला जाएगा तो ये ऐसे आ रहा है यहां पर ये यह ओ और ये एच इस तरह आ रहा है तो आप देखिए कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं यहाँ पर ये वन है ये टू है ये थ्री है और ये फोर है एंड ये फाइव है ये वाला ये ये वाला आपको सिमिलर लग रहा होगा ऐसा नहीं है देखिए यहाँ पर ये बॉन्ड की पोजीशन यहाँ है रिंग में और यहाँ पर ये पलट गई ये इस साइड है पलट गई ना ये तो यहां पर फाइव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और रेजोनेंस कैसे हो रहा है मैंने आपको बता दिया नेगेटिव चार्ज जो है वो अल्टरनेट पोजिशन पे आ रहा है इधर आ गया फिर एक कार्बन छोड़ के यहाँ आ गया फिर एक कार्बन छोड़ के यहाँ ओके तो इस तरह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे तो यहाँ देखिए और तो पैरा और मेटा पोजिशन कैसे आप डिसाइड करेंगे यहाँ पर ये यह ग्रुप लगा हुआ है देखिए ये वाला जो ग्रुप है वो एच ग्रुप ये लगा हुआ है इसके अकॉर्डिंग हम आपको औरतों पैरा और मैटर डायरेक्शन शो करेंगे तो यहाँ पर अगर ग्रुप लगा हुआ तब भी आप कह सकते हैं भाई ये औरतों ये पैरा है ये मैटर है वरना नहीं कह सकते तो यहाँ पर ये ग्रुप लगा हुआ है कोई भी ग्रुप हो माइनस एम या प्लस एम तो ये दोनों पोजीशन ये वाली और ये वाली ये औरतों होती है ये वाली और ये वाली मैटा होती है और ये वाली जो है सबसे नीचे वाली वो पैरा होती है पैरा वन है और तो दो है इस साइड ये इस साइड बात एक है तो ये जो ग्रुप है ये डिसाइड करता है कि कौन सी चाहे माइनस एम हो या प्लस एम हो कौन सी जो पोजीशन है वो औरतो है पैरा है, है है ना तो आप आपको पता गया पोजिशन के बारे में भी तो यहाँ पर ये औरतों पैरा डायरेक्टिंग है यहाँ देखिए ये वाली पोजिशन पेन का कलर चेंज कर लेते हैं देखिए है, ये वाली पोजीशन ये कैसी है ऑर्थो तो? ये वाली पोजीशन जो है ये वाली ये कैसी है पैरा और ये वाली पोजीशन ये अगेन है तो ये जो ग्रुप है वो तो पैरा डायरेक्टिंग है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है नेगेटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन ज्यादा आए उस पोजीशन पे औरतों और, तो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा इलेक्ट्रोफिलिक फाइल रिएक्शन पड़ रहे हैं हम लोग तो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहाँ जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ ज्यादा है औरतों और पैरा पोजीशन पे तो वहां जाएगा तो उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे क्योंकि वहां पर नेगेटिव चार्ज है तो इसलिए प्लस एम जो ग्रुप होते हैं वो तो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं आप समझ गए प्लस एम एम माइनस के बारे में भी आपको पता है आप पहचान लेंगे यहाँ देखिये प्लस एम ग्रुप है ये इलेक्ट्रोफाइल आया ये इलेक्ट्रोफाइल आया तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा और तो पोजिशन पे या फिर पैरा पोजिशन पे ये दो पोजिशन पे गया अगर आप इस तरह लिखेंगे ये प्लस एम है यहां पर इलेक्ट्रोफाइल लिखेंगे मैम ऐसा करते हैं यहाँ लगा देते हैं आपने इस तरफ लगाया है इधर लगा देते हैं तो बात तो एक है चाहे ऐसा या ये, ये। दोनों सेम है सेम बात है दोनों अब देखिए माइनस एम मैटर डायरेक्टिंग है ना जो माइनस एम इफेक्ट होता है वो क्या शो करता है मेटर डायरेक्टिंग होता है तो यहाँ पर देखिए ये जो बेंजीन रिंग है इससे अटैच्ड फर्स्ट एटम जो है वो नाइट्रोजन एटम है यहाँ पर कोई पेयर है नहीं तो यहाँ पर क्या है ये पाई बॉन्ड है पाई बॉन्ड इस नाइट्रोजन पे ये पाई बॉन्ड है तो ये कौन से इफेक्ट शो करेगा माइनस एम इफेक्ट ओके तो ये तो डबल बॉन्ड है तो यहाँ देखिए जो फर्स्ट एटम है उसके पास कोई पेयर नहीं है कोई पेयर होता तो वो बेंजीन रिंग को देता यहाँ पर नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है मतलब ये पहले से ही गरीब है इसके पास पेयर नहीं है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा अगर इसके पास लोन पेयर होता तो ये रिंग को देता इसके पास नहीं है पॉजिटिव चार्ज है पहले से ही गरीब है तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो देखिए किस तरह खींचेगा यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा ये बॉन्ड ब्रेक होगा पाई बॉन्ड यहाँ पर ये नेगेटिव और ये जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज क्यों आया क्योंकि नाइट्रोजन पहले से ही चार बॉन्ड बना रहा था ये वन टू थ्री फोर फोर बॉन्ड बना रहा था नाइट्रोजन इसलिए इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ देखिए ये इस तरफ शिफ्ट हुआ ये ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ और ये जो पाई बॉन्ड है वो नाइट्रोजन के पास आ गया अब देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे ये बेंजीन रिंग है यहाँ पर ये नाइट्रोजन है और यहाँ पर ये ओ नेगेटिव और यहाँ पर बॉन्ड आ गया ये पहले से ही था ओ नेगेटिव ये सेम बॉन्ड ऐसे रहेंगे और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होंगे ओके हाँ। ये बन रहा है स्ट्रक्चर अब देखिए सेकंड स्ट्रक्चर क्या बनेगा ये जो बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा इस पोजिशन पर तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्रिएट हो गया और यहां पर ये बॉन्ड ऐसे ही रहा सेम स्ट्रक्चर बनाना है आपको हो गया अब देखिए थर्ड स्ट्रक्चर क्या होगा यहां पर ये इस साइड आएगा इस पोजीशन पे तो यहां पर इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा अल्टरनेट पोजिशन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है अल्टरनेट पोजिशन पर ही निगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ था एक कार्बन को छोड़कर दूसरे कार्बन पर यहाँ पर यह पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर यह बॉन्ड बन गया और यहाँ पर यह पॉजिटिव डबल बॉन्ड एन ओ नेगेटिव ओ नेगेटिव अब देखिए यहाँ पर ये यह इधर शिफ्ट होगा और ये वाला जो है नेगेटिव चार्ज वह इधर आ जाएगा यहाँ पर ये नाइट्रोजन है ये ऑक्सीजन और यहाँ पर ये यह ऑक्सीजन तो यहाँ देखिए कितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव स्ट्रक्चर बन रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये वाली जो रिंग के अंदर फिफ्थ स्ट्रक्चर में है, जो बॉन्डिंग पोजिशन में वो फर्स्ट पोजिशन पे जो बन रहा है रिंग के अंदर की पोजीशन वो डिफरेंट है शिफ्ट हो गई तो यहाँ पर फाइव स्ट्रक्चर बन रहे हैं अब देखिए है, आप पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ये यह देखिए है, यहाँ पर ये यह वाली पोजीशन ये कौन, कौन सी है ऑर्थो पोजीशन ग्रुप के रेस्पेक्ट में अब यहाँ पर ये वाली जो पोजीशन है ये कौन सी है पैरा और ये वाली पोजीशन क्या है ऑर्थो तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑर्थो पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है मतलब रिंग के अंदर इन पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन फाइल आएगा तो इन पोजिशन पर तो ऐड होगा नहीं इन पोजिशन पर अगर जाएगा इलेक्ट्रोफाइल तो वो पहले से ही ये पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या करेगा तो वो ऐसी पोजिशन पर जाएगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ठीक है तो और तो और पैरा पोजिशन के रेस्पेक्ट में मेटा पोजिशन ठीक है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी तो नहीं है अगर नेगेटिव चार्ज नहीं है तो पॉजिटिव पॉजिटिव भी तो नहीं है तो यहाँ पर जो मेटा पोजिशन है यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आएगा और अटैच हो जाएगा ओके मेटा पोजिशन पे तो यहाँ देखिए ये फिफ्थ रेजोनेंस हाइब्रिड बन रहे हैं यहाँ पर और आपने पहचान लिया माइनस आएगा तो अटैच होगा क्यूं? वहां पर इलेक्ट्रॉन ठीक है एज कम्पेयर टू तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज जहाँ है वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो मेटा पोजिशन पे आएगा क्यों आएगा आपको पता चल गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आपने बनाकर देख ली यहाँ देखिए माइनस एम इफेक्ट है माइनस एम ग्रुप जुड़ा हुआ है वो इलेक्ट्रोफाइल आया तो ये कहाँ जाएगा मेटा पोजिशन पे ये इस वाली पोजिशन पे जाएगा मेटा दोनों सेम है ओके यहाँ देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन में देखिए ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड एच एन ओ थ्री या कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एस ओ फोर आपको मिलेगा तो यहाँ पर क्या होता है जो एच एन ओ थ्री होता है मैं आपको एक बात इम्पोर्टेंट बता दू एच एन ओ थ्री प्लस एच टू एस ओ फोर ये क्या देगा आपको एनओ टू देगा एनओ टू पॉजिटिव एनओ टू पॉजिटिव क्या तो position पे जाएगा. Benzine, पर सारी position group के रेस्पेक्ट में हम और तो पैरा मेटा ग्रुप की बात करते हैं तो यहाँ पर सारी पोजिशन जो है वो सेम है तो कहीं पर भी आप अटैच करवा दीजिए एनओ टू पॉजिटिव को अब क्या होगा अब दोबारा आपको अटैच कराना है अब ये वाला जो ग्रुप है ये क्या है माइनस एम ग्रुप क्योंकि जो नाइट्रोजन है उसके पास डबल बॉन्ड है तो ये कैसा है माइनस एम इफेक्ट शो करेगा ये वाला ग्रुप इसके रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ ऐड होगा मेटा पोजिशन पे माइनस एम जो ग्रुप होता है वो मेटा पोजिशन पे इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करवाता है यहाँ पर ये जो पोजिशन है ये क्या है मेटा पोजिशन इन पोजिशन पे आएगा अब डिसाइड होगा क्योंकि जब ग्रुप आ गया यहाँ पर ये यह NO2 टू है और ये कहाँ जाएगा मेटा पोजिशन पे लगा दीजिए आप तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा आप समझ गए कैसे होगा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ये यह ग्रुप क्या है सी एच ओ ग्रुप सी एच ओ ग्रुप कैसा होता है ये सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर एच तो जो बेंजीन रिंग से अटैच्ड कार्बन है ये वाला जो कार्बन है इसके पास क्या है डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये कैसा ग्रुप है माइनस एम ग्रुप है ये तो माइनस एम ग्रुप के अगर आता है मेटा पोजिशन पे एड कराता है इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ पर आपको क्या मिलेगा कौन सा इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा बी आर पॉजिटिव मिलेगा सारे इलेक्ट्रोफाइल आपको मैटा पोजिशन तो पे सी एच ओ ग्रुप डिसाइड करेगा तो ये सी एच ओ ग्रुप डिसाइड करेगा कि कौन सी पोजिशन कोई भी मतलब ग्रुप है माइनस एम या प्लस एम वो डिसाइड करता है पोजिशन इलेक्ट्रोफाइल के लिए यहाँ पर ये मेटा पोजिशन है यहाँ पर आकर अटैच हो गया ओके तो यहाँ क्वेश्चन देखिए ये बेंजीन रह गया यहाँ पर क्लोरीन है एक्सेस में और एनहाइड्रस सी एल सी एल थ्री है तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगा इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा लेकिन यहाँ एक्सेस में है यहाँ पर देखिए ये बेंजीन है अब यहाँ पर कोई भी पोजिशन पर आप अटैच करवा दीजिए सब सेम है क्लोरीन अब जो क्लोरीन है इसके पास क्या होता है पेयर प्रेजेंट होता है

क्वेश्चन देखिए अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल आकर खड़ा हो जाएगा और वो ग्रुप से पूछेगा कि हम कहाँ अटैच हों तो ग्रुप कहेगा भाई देखो मैं माइनस एम हूं तो आप मेटा पे अटैच हो जाओ अगर मैं प्लस एम हूं तो आप औरतों पैरा डायरेक्टिंग में तो आप औरतों पैरा पोजिशन पे अटैच हो जाओ ओके तो यहाँ पर क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल आया तो ये अगर प्लस एम है तो जाहिर सी बात है रिंग रिश बनाएगा इलेक्ट्रॉन रिश तो इलेक्ट्रोफाइल जल्दी से आकर अटैच तो पैरा डायरेक्टिंग तो क्लोरीन क्लोरीन के पास प्रेजेंट है तो ये प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है और इसके साथ साथ क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट भी शो करती है तो यहाँ पर जो क्लोरीन है उसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंट होता है एज कम्पेयर टू प्लस एम इफेक्ट ये रेजोनेंस मिजोमेरिक इफेक्ट ये रेजोनेंस इफेक्ट है ये ये इंडक्टिव इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा हाई होता है क्लोरीन में तो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट लग रहा है तो माइनस आई इफेक्ट भी क्या करती है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिंग में से खींचती है और रिंग को गरीब बनाती है अब यहाँ पर भी क्लोरीन है अब यहाँ पर एनो टू है तो यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है माइनस एम ग्रुप तो यहाँ पर क्लोरीन भी खींच रही है रिंग में से इलेक्ट्रॉन और एनो टू भी इलेक्ट्रॉन रिंग में ऐसे खींच रहा है तो जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल किसके साथ अटैच होना चाहेगा इलेक्ट्रोफाइल तो यहाँ अटैच होना चाहेगा क्योंकि यहाँ पर इस रिंग में उसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिल जाएंगे यहाँ पर ये होगी रिएक्टिविटी ऑर्डर फर्स्ट ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू सेकेंड यहाँ देखिए क्वेश्चन में ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पर बेंजीन और क्लोरीन क्लोरीन अटैच्ड है ये जो क्लोरीन है इसका प्लस एम इफेक्ट भी होता है माइनस आई इफेक्ट भी होता है माइनस आई ज़्यादा डोमिनेंट होता है तो यहाँ पर ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगी क्लोरीन बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगी रिंग में से इलेक्ट्रॉन खींचेगी तो ये रिंग को गरीब बना रही है तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो सोचेगा mm -hmm. वो देखेगा वो कहेगा अरे यहाँ पर क्लोरीन ने खींच ली इलेक्ट्रॉन तो वो बेंजीन के पास जाएगा और उससे सब्सटिट्यूशन रिएक्शन करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग में आना चाहेगा तो फर्स्ट ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू सेकेंड क्यों है क्योंकि यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट है इसलिए ये रिंग को गरीब बना रहा है इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये यहाँ अटैच ना होकर फर्स्ट फर्स्ट जो बेंजीन रहेगा उस पर अटैच हो जाएगा उस पर कोई कम से कम खींच तो नहीं रहा राइट तो फर्स्ट ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू सेकेंड इसकी कंपेयर में बात करें इलेक्ट्रोफाइल की क्वेश्चन देखिए ये वाला ये बेंजीन रह गया ये फर्स्ट ये सेकेंड और ये थर्ड है तो यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है थ्री प्लस एम इफेक्ट लगाएगा एन ओ टू माइनस एम इफेक्ट लगाएगा माइनस एम इफेक्ट लगाएगा तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी डिक्रीज होगी इसमें रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफाइल के लिए इंक्रीज हो रही है और यहाँ पर न्यूट्रल रह रही है ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही बेंजीन रिंग में तो सेकंड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा फिर फर्स्ट थर्ड सबसे कम होगा सिंपल मेथड है आप सीख गए आपके समझ में आ गया होगा अब तो सिंपल है ये लेफ्टोफिलेिकब्ट्यूशन रिएक्शन के हम लोगों ने क्वेश्चन भी देख लिए अब देखिए जो सेकंड रिएक्शन है जो स्पेशल कंडीशन में हो रही थी बेंजीन की वो कौन सी रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन फर्स्ट देखिए यहाँ पर ये यह बेंजीन है यहाँ पर आपने एच टू एन आई डी है निकल और हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये सब पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे

सारे पाई बॉन्ड जो तीन होते ब्रेक कर दिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन से ऐड करके सेकेंड देखिए ये बेंजीन यहाँ पर क्लोरीन क्लोरिन में है, ये एसन यू सनलाइट के प्रेजेंस में वहां पर क्या हो रहा था जो हमने क्वेश्चन किया था वहां पर देखिए ये लिया था एनहाइड्रस एल सी एल थ्री इसलिए इलेक्ट्रोफाइल मिल रहा था यहाँ पर सनलाइट लिया है अपना एसन यू और यहाँ पर क्लोरीन एक्सेस में है तो यहाँ पर सब पाई बॉन्ड हटाकर सब सी एल सी एल जुड़ गए तो ये क्या है बेंजीन एग्जा क्लोराइड जो कि बी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको लिंटेन भी कहते हैं और गेमैक्सन भी कहते हैं यहाँ पर क्या होता है ये क्या होता है इंसेक्टीसाइड होता है इंसेक्टीसाइड जो जो होता है जो इंसेक्ट को किल करता है जो फार्मर होते हैं वो यूज़ करते हैं इंसेक्ट को किल करने के लिए ताकि जो हमारी फार्मिंग है वो अच्छी तरह से हो सके तो ये डी से ज़्यादा अच्छा होता है ये सब इसके नाम है C6H6 सिक्स एच सिक्स ट्रिपल सिक्स होता है ये यहाँ देखिए बेंजीन की रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस ऑफ बेंजीन यहाँ पर क्या होगा मैंने आपको बताया था ये क्या है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ओजोनोलाइसिस में टू टाइप की ओजोनोलाइसिस रिएक्शन थी एक तो ऑक्सीडेटिव थी और एक रिडक्टिव थी उनके रिएजेंट के बारे में अभी बता दिए यहाँ पर जिंक दिया है O3 थ्री प्लस सी के साथ जिंक दिया तो ये कैसी रिएक्शन है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है ये कौन सी रिएक्शन है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस तो यहाँ क्या होगा ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है ओ ओ लगाना है यहाँ ओ ये यह तो क्या बन रहा है आपको क्या मिलेगा यहाँ पर यह जो? ये ग्लाई मिलेगा यहाँ पर अब देखिए ये जो फर्स्ट वाला है वो वो आपने देख लिया इसमें ग्लाई ऑक्सल मिलेगा क्योंकि जो बेंजीन रिंग है उसके सारी सारे कंपाउंड सेम बनेंगे जब आप ये बॉन्ड सब ब्रेक करेंगे ओजोनोलाइसिस में रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है सेकंड देखिए ये भी क्या है यहाँ है। पर जेंगे ये भी क्या है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है यहाँ पर भी हम क्या करेंगे डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और ओ और ओ एड कर देंगे डबल बॉन्ड के दोनों तरफ तो यहाँ देखिए ये डबल बॉन्ड को ब्रेक किया ये ओ ये ओ यहाँ पर बॉन्ड को ब्रेक किया ये ओ ये ओ डबल बॉन्ड को ब्रेक किया ओ ओ तो यहाँ पर कौन सा कंपाउंड बन रहा है ये देखिए सी एच थ्री यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर ये ये सी एच थ्री ये डबल बॉन्ड ओ ये वाला देखिए ये सेम बन रहा है ये वाला है ये और यहाँ देखिए ये वाले और ये वाले ये सिमिलर है ग्लाइऑक्सल बन रहे हैं ये तो एक लिख देते हैं हम सी यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ चलिए सही से लिख देते हैं सी एच ओ सी एच इस तरह बन रहा है ये यहाँ पर देखिए ये ये देखिए सी एच ओ यहाँ पर ये सी एच ओ दो कार्बन है अब यहाँ पर देखिए इसी का ही ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करेंगे जिसमें रिंग के अंदर बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपको दोनों पोजीशन देखनी है हाइब्रिड कंडीशन देखनी है आपको हाइब्रिड स्ट्रक्चर में दोनों ही कंडीशन देखनी है रिंग के अंदर बॉन्ड की तो यहां पर इस साइड इस तरफ लगाया अब हम लोग रिंग की पोजीशन में बाउंड चेंज कर रहे हैं देखिए ये देखिए ये चेंज हो गया यहाँ पर ये सी एच थ्री है और ये सी एच थ्री लगा हुआ है अब देखिए बाउंड ब्रेक किया ओ ओ डबल बाउंड ब्रेक किया ओ ओ डबल बाउंड ब्रेक किया ओ, -ओ।, ओ, -ओ। दोनों तरफ लगा दिया अब क्या बन रहा है देखिए यहाँ पर यहां बन रहा है सी एच थ्री ये सी एच थ्री यहाँ पर ये सी इधर आ रहा है और यहां पर सी और यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ और यहां पर डबल बॉन्ड ओ यहां पर ये स्ट्रक्चर बन रहा है ये स्ट्रक्चर बन गया और यहाँ पर और क्या बन रहा है और आपको मिलेगा ये भी सेम बन रहा है यहाँ पर ये भी इसी तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है और यहाँ पर ये ग्लाई बन रहा है ये वाला स्ट्रक्चर सी एच ओ सी एच ओ तो एक ले लिया हमने यहाँ पर सी एच ओ तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर तीन कंपाउंड मिल रहे हैं ये फर्स्ट है ये सेकंड है और ये थर्ड है तीन कंपाउंड हमें यहाँ पर मिल गए ओके okay? तो आप जब भी आपको बेंजीन रिंग मिलेगी बेंजीन रिंग में कोई ग्रुप अटैच होगा तो आप क्या करेंगे रिंग के अंदर बॉन्ड की पोजिशन को चेंज कर दीजिए और उसके बाद डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए ऑक्सीजन दोनों साइड पे अटैच कर दीजिएगा तो आपको कंपाउंड जो बनेंगे वो डिफरेंट कंपाउंड हो okay? गए यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि टाइप ऑफ कंपाउंड कितनी है तो यहाँ पर थ्री टाइप के कंपाउंड बन रहे हैं वन टू थ्री ओके तो यहाँ पर

आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करवा दिया इस टाइप का तो आपको क्या करना है रेजोनेंस हाइब्रिड बना लेने हैं रिंग में जो बॉन्ड है उसकी पोजिशन चेंज करवा कर डबल बॉन्ड को ब्रेक करिए और दोनों तरफ ओ ओ बना दीजिए तो कंपाउंड डिफरेंट मिलेंगे जितने कंपाउंड मिल जाए उतने टाइप ऑफ प्रोडक्ट हैं तो यहाँ पर ये जो है पेंसिन का टॉपिक आपका कंप्लीट हो रहा है तो अगर आपने अभी तक अलर्ट क्लासेस को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए एलर्ट क्लासेस को यूट्यूब पर फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कीजिए टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कीजिए हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए कम से कम टेन फ्रेंड के साथ शेयर करिए ताकि उनके पास भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर पहुँच सकें सो थैंक्स फॉर वॉचिंग